एक गांव में कोमल और अंजलि नाम की दो लड़कियां रहा करती थी। कोमल पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी। अंजलि कोमल के पड़ोस में ही रहती थी। अंजलि कोमल से बहुत जलती थी। वो पूरे गांव में कोमल के गुणगान सुनते सुनते परेशान हो गई थी। अंजलि कभी भी कोमल से अच्छे से बात नहीं करती थी। वो हर वक्त उसे उल्टा सीधा सुनाती रहती थी। अंजलि और कोमल की माँ दोनों सहेलियाँ थी। उन दोनों में बहुत मित्रता थी। वे दोनों चाहते थे कि उनकी बेटियों में भी मित्रता आ जाए और वो कभी भी लड़ाई ना करे। एक दिन कोमल की माँ अंजलि की माँ के पास आती है और कहती है, मैं तो कहती हूँ हमारी बच्चियों में दोस्ती हो जाए, लेकिन इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, तो क्या किया जाए? ये सब सिर्फ मेरी बेटी अंजलि की वजह से हो रहा है। मैं कितना उसको समझाती हूँ कि कोमल से लड़ा ना करे, फिर भी वो उसे लड़ती रहती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, हम उन दोनों को एक साथ किसी काम से भेजते हैं, इससे उन दोनों की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी और वो दोनों अच्छे से बात करने लग जाएंगी। हाँ ये बात ठीक है, अगर दोनों साथ साथ काम करेंगी तो लड़ाई नहीं करेंगी। इतना कहकर अंजलि की माँ अंजलि को अपने पास बुलाती है। अंजलि बेटा, आज तुम्हें कोमल के साथ लकड़ियाँ काटने जाना है, एक के साथ लकड़ियों को लेकर आना है। मैं कोमल के साथ कहीं नहीं जाने वाली, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगी, तुम उसको साथ लेकर जाना। तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। माँ आप भी ना हर चीज की जिद करने लगती हो। अंजलि कोमल के साथ लकड़ियाँ काटने जाने के लिए मान जाती है। कोमल की माँ कोमल से कहती है, बेटा आज तुम्हें अंजलि के साथ लकड़ियाँ काटने जाना है। माँ मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अंजलि नहीं मानेगी। अगर वो साथ चलने के लिए मान जाएगी तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। अंजलि और कोमल दोनों जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती है। सुनो कोमल, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करना। मैं जैसी भी लकड़ियाँ काटूँ मुझे काटने देना। और हाँ, तुम अपना काम जल्दी पूरा कर भी लोगी तो तुम मेरा इंतजार करना। ठीक है, मैं समझ गई। कोमल लकड़ियाँ काट कर अंजलि का इंतजार करने लगती है। चलो अब जल्दी घर चलते हैं। वे दोनों घर की ओर चले जाते हैं। तभी अंजलि कोमल से कहती है, क्या तुम्हें लग नहीं रहा कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं? नहीं नहीं, हम इसी रास्ते से आए थे। मैं कह रही हूँ ना कि ये गलत रास्ता है, तुम्हें हर जगह अपनी चलानी होती है क्या? चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो चलती हैं दूसरे रास्ते से। वो दोनों दूसरे रास्ते से जाने लगती हैं। आधे रास्ते में पहुंचकर कोमल अंजलि से कहती है, अंजलि मुझे ये गलत रास्ता लग रहा है। नहीं ये सही रास्ता है, देखना हम थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। वो दोनों आगे चलती जा रही थी, लेकिन उनको अपना घर दिखाई नहीं पड़ रहा था। कोमल अब तो मुझे भी लग रहा है कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। क्या किया जाए, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम इतनी बकर बकर करती हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये गलत रास्ता है, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। अब आगे चलो, हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। कोमल और अंजलि आगे बढ़ी तो उन्हें दो नदियाँ दिखाई दी। उन नदियों के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अंजलि आगे कोई रास्ता नहीं है, अब हमें नदियों को पार करके ही जाना होगा। कोमल के इतना कहते ही एक नदी में से आवाज आई, आओ मेरे अंदर। नहीं उसके अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे अंदर आओ। अरे तुम दोनों बोल कैसे सकती हो? हम एक जादुई नदियाँ हैं, तुम हमारे पास आओगी तो तुम्हें अद्भुत चीजें मिलेंगी। अरे अरे एक बार ये तो पूछ लो कि मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ और मेरे पास वाली नदी तुम्हें क्या दे सकती है, फिर निर्णय करना। हाँ तुम हमें एक एक करके बताओ। अगर तुम मेरे पास आओगी तो तुम्हें बहुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर तुम मेरे पास आओगी तो तुम्हें ढेर सारे धन की प्राप्ति होगी। कोमल ज्ञान प्राप्त करने में ज्यादा रुचि रखती थी, लेकिन अंजलि ने जब ढेर सारे धन प्राप्त करने की बात सुनी तो वो बोली, मुझे तो दूसरी नदी में जाना है, उससे मुझे धन की प्राप्ति होगी। मुझे ज्ञान प्राप्त करने वाली नदी में जाना है। कोमल पहली वाली नदी में चली जाती है और अंजलि दूसरी नदी में चली जाती है। नदी पार करने के बाद कोमल को एक बहुत ही घना जंगल दिखाई देता है। तभी वहाँ से एक आवाज आती है, तुम यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने आई हो,
ठीक है, मैं तुम्हें अनमोल ज्ञान देती हूँ। इस तरह कोमल को अनमोल ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसे वरदान मिल जाता है कि वो कोई भी चीज आम लोगों से ज्यादा जल्दी सीख जाएगी। इसी तरह अंजलि भी एक घने जंगल में पहुंच जाती है। वो धन मिलने का इंतजार करने लगती है, तभी वहां से एक आवाज आती है, फिर कोई धन के लालच में आ ही गया, अब वो बच नहीं पाएगा। मुझे कहा गया था कि मुझे धन की प्राप्ति होगी, तो आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं इसी तरह लोगों को धन का लालच देकर अपने पास बुलाती हूँ और उसे खत्म कर देती हूँ। अंजलि जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। कोमल को अंजलि की आवाज़ सुनाई दे जाती है। अंजलि जहाँ पर खड़ी थी वहीं एक पिंजरा आ जाता है और वो पिंजरे में कैद हो जाती है। कोमल दूसरी नदी को पार कर कर उस पार चली जाती है। वो वहाँ जाकर देखती है कि अंजलि एक पिंजरे में कैद है। कोमल को देख अंजलि कहती है, कोमल मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगी, मैं मरना नहीं चाहती। आप मेरी सहेली को छोड़ दीजिए, मेरी सहेली निर्दोष है। नहीं, अब ये बच नहीं पाएगी, इसने लालच किया है और लालच से ये मेरे पास आई है, इसलिए अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। कृपया आप इसे छोड़ दें। क्या तुम वही लड़की हो जो भी ज्ञान प्राप्त करने वाली नदी में गई थी? हाँ। ठीक है, अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, इसे इसकी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। आप इसे माफ कर दीजिए, आज के बाद ये ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, अगर तुम इतना कह ही रही हो तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। इतना कहते ही पिंजरा गायब हो जाता है और फिर अंजलि आजाद हो जाती है। रुको, मैं तुम दोनों को वापस गांव भेज देती हूँ। अंजलि और कोमल वापस गांव आ जाती है। कोमल मुझे माफ कर दो, मैं कितनी गलत थी, मुझे लगता था कि तुम अच्छी नहीं हो, लेकिन तुम बहुत ही अच्छी हो, तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं अंजलि, अब से हम सहेलियां नहीं बहने हैं। उस दिन के बाद से कोमल और अंजलि की कभी भी लड़ाई नहीं हुई और वो एक बहनों की तरह साथ रहने लगी। ये सब देखकर उन दोनों की माँ को भी बहुत खुशी होती है। वो दोनों उनकी दोस्ती ही चाहती थी, अब वो दोनों अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रह रही थी। एक बार की बात है, किसी गांव में पिंकी नाम की लड़की अपने मामा मामी के साथ रहती थी। पिंकी के मामा मामी की भी एक बेटी थी जिसका नाम आहाना था। आहाना और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा दुष्ट थी। दोनों माँ बेटी मिलकर पिंकी से घर का सारा काम करवाती थी और बदले में उसकी खूब पिटाई करती थी। माँ, ये लड़की को ज्यादा ही सर चढ़ गई है, आपको इसे और काम लेना चाहिए। देखो तो हमारे घर का खाना खा खा कर कैसे मोटी हो गई है। हाँ बेटी, तू कह तो ठीक रही है, इतना कम काम करती है और घर में सबसे ज्यादा खाती है, लगता है मुझे इसको कोई और काम देना पड़ेगा। दोनों माँ बेटी पिंकी के पास जाती है और कहती है, सुन लड़की, तू पूरा दिन घर पर पड़ी रहती है, इसलिए मैं तुझे काम दे रही हूँ। अब से तू रोज पास वाले जंगल में जाएगी और ताजी ताजी लकड़ियाँ लेकर आएगी। लेकिन मामी जी, जंगल में तो बहुत खतरा होता है, वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। नहीं नहीं मामी जी, मैं जंगल में लकड़ी लाने नहीं जाऊंगी, आप मुझे कोई और काम दे दीजिए, ये काम बहुत खतरे वाला है। अरे ओ महारानी, मैं तुझसे पूछ नहीं रही हूँ बल्कि तुझे आदेश दे रही हूँ, इसलिए जितना कह रही हूँ उतना कर, नहीं तो मार मार कर तेरा भरता बना दूंगी। अगले दिन से पिंकी रोज जंगल में जाती थी और लकड़ियाँ काट कर लाती थी और घर आने के बाद घर का सारा काम भी करती थी। वहीं दूसरी तरफ दूसरे राज्य में श्रद्धा नाम की रानी रहती थी। श्रद्धा रानी का एक बेटा भी था जिसका नाम अंकुश था। सुनिए, हमारे बेटे अंकुश के लिए एक सुंदर और सुशील राजकुमारी लेकर आना, जो हमारे बाद इस राज्य को बहुत अच्छे से चला सके। महारानी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, मैं अपने पुत्र के लिए अच्छी बहू ढूंढूंगा। राजा अपने राज्य में वैसी लड़की ढूंढने चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से राजा को कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिलती। उसके बाद राजा रानी दोनों पहाड़ी के पीछे वाली रहने वाली एक जादूगरनी के पास जाते हैं। अरे महाराज और महारानी जी, आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लेते मैं ही आ जाती। नहीं नहीं जादूगरनी, दरअसल हम यहाँ पर एक जरूरी काम से आए हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए।
बताइए महाराज। सुनो, हमें हमारे बेटे अंकुश के लिए एक सुंदर और सुशील राजकुमारी की तलाश है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी हमारे राज्य में हमें कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो हमारे ना रहने पर राज्य को अच्छे से चला सके। क्या तुम हमारे लिए एक लड़की की तलाश कर सकती हो? राजा के इतना कहने पर जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी से वहाँ पर एक जादुई गाउन और दो झुमके प्रकट कर देती है। महाराज, इस गाउन और झुमकों को नदी के किनारे रख दीजिए। जो भी लड़की सबसे पहले इसे उठाएगी और इन्हें पहनेगी, वही लड़की आपके राज्य की राजकुमारी बनेगी। जादूगरनी की ये बात सुनकर राजा रानी बहुत खुश हो जाते हैं और उस गाउन और झुमकों को नदी के किनारे रख देते हैं। सुनो सैनिक, तुम आज से इस नदी के किनारे पर खड़े होकर पता लगाओगे कि सबसे पहले इन दोनों चीजों को किस लड़की ने पहना है। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। इतना कहकर राजा रानी महल चले जाते हैं। अगले दिन। अरे ओ मनहूस, यहाँ बैठकर आराम कैसे फरमा रही है? घर में इतना काम पड़ा है, वो काम क्या तेरी माँ करने आएगी? मामी जी, आप मेरी माँ को कुछ मत कहा करो। और रही बात काम की, तो मैंने सारा काम पूरा कर दिया है, अब कोई भी काम नहीं बचा। पानी कौन तेरा बाप भरेगा? लेकिन मामी जी, पानी तो मैं सुबह ही लाई थी, इतनी जल्दी सारा पानी कौन पी गया? अच्छा, तो तू अब मेरी माँ से जवान लड़ाएगी? तुझे एक बार बोल दिया ना पानी लेकर आ तो लेकर आ। बेचारी पिंकी मटका लेती है और नदी के किनारे पानी लेने पहुँच जाती है। अरे वाह, नदी का पानी कितना ठंडा है, मन तो कर रहा है थोड़ी देर नदी में नहा लूं। उसके बाद पिंकी उस नदी में नहाने लग जाती है। हे भगवान, मेरे पास अब तो कपड़े भी नहीं है और ये भी भीग गए। अगर मेरी मामी ने मुझे इस तरह देख लिया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी, अब मैं क्या करूं? तभी उसको थोड़ी दूर पर वो जादुई गाउन और झुमके दिखते हैं। अरे वाह, ये गाउन और झुमके कितने सुंदर हैं, लगता है किसी राजकुमारी के हैं। इसके बाद पिंकी इधर उधर देखती है और काफी देर तक वहाँ पर झुमके और गाउन के मालिक का इंतजार करती रहती है, लेकिन उसको कोई भी नजर नहीं आता। मुझे तो लग रहा है किसी राजकुमारी ने इन दोनों चीजों को पुराना समझकर यहाँ पर फेंक दिया है। एक काम करती हूँ, इन दोनों को मैं ही पहन लेती हूँ। उसके बाद पिंकी उन जादुई गाउन और झुमकों को पहन लेती है और पानी लेकर अपने घर की ओर जाने लगती है। अरे वो देखो, उस लड़की ने सबसे पहले वो जादुई गाउन और झुमके पहने हैं। उसके बाद सैनिक पिंकी का पीछा करते हैं और आखिरकार सैनिक पिंकी का पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाते हैं। सभी सैनिकों में से एक सैनिक राजा जी के पास जाता है और राजा रानी को सारी बात बताता है। राजा और रानी सैनिक की बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ। अरे ओ करमजली, ये गाउन और झुमके तेरे पास कहाँ से आए? मामी जी, मुझे ये गाउन और झुमके नदी के पास पड़े हुए मिले थे। वाओ माँ, कितनी सुंदर ड्रेस है इसकी, ये किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही है। मॉम, ये गाउन और झुमके मुझे चाहिए। आहाना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे पास तो पहले से ही इतने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बकवास बंद कर, समझी, मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी तुम्हें। उसके बाद पिंकी की मामी पिंकी को एक चाटा मारती है और उसे झुमके और गाउन छीन लेती है और अपनी बेटी को दे देती है। क्यों रे कलमोही, मेरी बेटी के सामने ऊंची आवाज में बात करेगी तू? तभी पीछे से राजा और रानी पिंकी के घर आ जाते हैं। सुनिए, आपकी बेटी हमारी होने वाली राजकुमारी है, क्योंकि आपकी बेटी हमारा गाउन और झुमके लेकर आई है। रानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल वो कलमोही उन दोनों चीजों को गलती से उठा कर ले आई। मैं उसे बोल ही रही थी कि उसे जहाँ से लाई है वहीं वापस रखा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैं आपका गाउन और झुमके वापस कर दूंगी। उसके कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद रानी जादूगरनी की बताई हुई सारी बात बताती है। दरअसल मुझे तुम्हारी बेटी का हाथ अपने बेटे अंकुश के लिए चाहिए, क्या तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कराना चाहोगी? रानी की ये बात सुनकर पिंकी की मामी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ओहो, मेरे तो भाग्य ही खुल गए, जो मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता खुद चल कर आया है, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो ठीक है, हम बारात लेकर यहीं आएंगे
और हाँ, अपनी बेटी को शादी वाले दिन मेरा दिया हुआ गाउन और वो झुमके पहना देना। वो सब सुनकर पिंकी की मामी बहुत ही खुश हो जाती है और शादी वाले दिन पिंकी की जगह आहाना को वो जादुई गाउन और झुमके पहना देती है। लेकिन तभी उसकी बेटी के शरीर में आग लग जाती है। बचाओ माँ, ये क्या हो रहा है, कोई बचाओ मुझे। तभी वहाँ पर पहाड़ी के पीछे रहने वाली जादूगरनी प्रकट हो जाती है। रानी जी, ये वो लड़की नहीं है, ये लड़की दूसरी है। सच सच बोल लड़की, असली लड़की कौन है, नहीं तो तू इसी तरह जलकर मर जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए रानी जी, दरअसल वो मेरी बेटी नहीं, मेरी भांजी है। रुकिए, मैं उसको अभी लेकर आती हूँ। उसके बाद मामी आहाना से वो झुमके और गाउन लेती है और पिंकी को पहनाकर बाहर लाती है। उसके बाद पिंकी को राजकुमारी का ताज पहनाया जाता है। उसके बाद अंकुश और पिंकी की शादी हो जाती है। जब राजा रानी को पिंकी के ऊपर किए गए अत्याचार के बारे में पता चलता है तो वो दोनों पिंकी की चाची और आहाना को कारावास में डाल देते हैं। आहाना और उसकी माँ को अपने किए की सजा मिल जाती है और पिंकी को एक नई जिंदगी।